बोर्ड की तरफ से निर्वाणा आयन लॉन्च हो गया है। व्हाट इज साईफाई बॉक्स यार, बात करेंगे पूरा डिटेल में और कुछ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई है। और दोस्तों एक गिव अवे करूंगा वीडियो के बीच में, बताऊंगा कैसे आप इसको जीत सकते हो। ये हमारा बॉक्स रहा, जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। खुल जा सिमसिम। ओह शिट, यहाँ तो ईयरबड्स है ही नहीं। यहाँ है गाइस, क्योंकि हमने जब पूरी अच्छे से इसकी टेस्टिंग कर रहे थे और यहाँ पर स्टिकर भी लगा दिया है जैसे मैंने इमोर्टल में लगाया था। पूरा डिटेल में बात करेंगे, बैटरी बैकअप कितना है इसका, वाटर टेस्ट भी करेंगे, रुक जाना वीडियो में। मैं इसको आराम से एक हफ्ते तक यूज किया हूँ, तब आपको थोड़ा अच्छे सजेशन देने वाला हूँ आपको ये लेना चाहिए या नहीं। बॉक्स जैसे तो काफी ज्यादा क्यूट बनाया है और सामने आपको स्ट्रिप मिल जाती है जिसमें बोर्ड की ब्रांडिंग होती है और सामने मैंने एक और ब्रांडिंग दे दी है और यहाँ पर आपको एलईडी की लाइटिंग मिल जाती है। नीचे आपको यूएसबी टाइप सी, यहाँ पर रीसेट का ही बटन मिल जाता है। देखते कैसा अपना ईयरबड्स है। 1 2 3 गो। So, ये हमारा ईयरबड्स यहाँ पर निकल के आता है। सर दिखने में तो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, एप्पल एयरपॉड्स की तरह थोड़ा लगता है वैसे। यहाँ पर आपको सिल्वर लाइटिंग मिल जाती है, दो दो माइक भी मिलते हैं इसमें, माइक्स की भी टेस्टिंग करने वाले हैं पूरे। तो यहाँ पर आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, इसमें आपको 120 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलती है। बताऊंगा सच है कि नहीं, वीडियो पूरा एंड तक देखो। अच्छा दोस्तों, ये जो है ब्लैक वाला था, व्हाइट वाला भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो व्हाइट वाला है जिसका गिव अवे होना है। व्हाइट वाला सच में यार ज्यादा कूल लगता है। गिव अवे के रूल्स भी बताने वाला हूँ, वीडियो देखते रहो। नीचे में देख सकते हो यहाँ पर जो कर्वी डिजाइन है ताकि ग्रिप जो है अच्छा हो। बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल मुझे लगा। इसमें आपको इंफ्रारेड का डिटेक्शन मिलता है ताकि आप कान से निकालो तो तुरंत रुक जाए म्यूजिक। और स्पेक्स सुन लो, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, IPX4 की भी रेटिंग मिल जाती है और बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, वो भी बताऊंगा डिटेल में। क्रिस्टल डायनामिक साउंड मिलता है हाई डीएसपी की तरफ से। आप मोनोपोडियम म्यूजिक सुन सकते हो, मतलब एक कान में लगा के आराम से। जल्दी बात करते हैं कि आप कान में इसको पहनोगे तो कैसा आपको फील आएगा। अभी देख सकते हो मैं अगर अपने सर हिला रहा हूं तो मेरा चश्मा निकल गया, बट ये नहीं निकल रहा है, टूटा तो नहीं यार। फिटिंग जो है काफी ज्यादा अच्छी है और इसको जैसे आप लगाओगे गाइस, ठीक है, कान में अपने अच्छे से 80-85% जो है आपकी आवाज वैसे ही ब्लॉक हो जाएगी। दोस्तों एक मस्त चीज आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देख सकते हो, प्रियांक मेरा दोस्त है गाइस, उसको मैंने दिखाया था कि 2000 में निर्वाणा आयन आ रहा है, तो उसने पूछा नॉइस कैंसिलेशन है क्या। मैंने बोला 2K है भाई, ये जवाब दे रहा है बोट है, सस्ते में कुछ भी ला सकती है। मैंने उसको रिप्लाई किया ये तो है, तेरी चैट वीडियो में होगी। साफ शब्दों में लोगों को बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है बोट से कि हाँ ये जो ब्रांड है ट्रस्टेबल है और बजट में एकदम प्रीमियम फीचर्स ला के देता है। क्या ये प्रीमियम है, मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, रुक जाओ। दोस्तों ये देख सकते हो, इसको मैं जैसे खोलूंगा यहाँ पर, अभी कनेक्टिंग दिखा रहा है, जैसे खोला कनेक्टेड, और ये देख सकते हो तो जो है पूरा डिटेल देता है कि आपके लेफ्ट में कितनी बैटरी है, सेंटर में कितनी बैटरी है, सेंटर मतलब आपके बॉक्स में, राइट में कितनी बैटरी है। अभी बंद किया, चला गया, खोला, कनेक्टेड, ये राइट है, ये लेफ्ट है। एक बार दबाया, म्यूजिक पॉज, दूसरी बार दबाया, स्टार्ट पॉज, स्टार्ट पॉज, स्टार्ट, दो बार दबाया चेंज हो गया, दो बार दबाया चेंज हो गया, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन बार दबाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये एक इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, जैसे अगर मैं तीन बार दबा रहा हूँ तो वॉल्यूम जो है थोड़ा कम बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक दो तीन इतना आ गया। सॉन्ग सुनेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा, एक दो तीन, एक दो तीन, ये बहुत ज्यादा म्यूजिक कम हो जाता है। इतना ज्यादा म्यूजिक बढ़ना नहीं चाहिए या कम होना नहीं चाहिए, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों एक और चीज दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हो मीडिया ऑडियो AAC फॉर्मेट में SD है और यहाँ पर स्टैंडर्ड करोगे तो SBC हो जाएगा। तो दो मोड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों जिस इंफ्रारेड की मैंने बात की थी, देख सकते हो कैसा काम करता है, निकाला रुक गया, लगाया चल गया, भाई साहब बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। लिटरली इस रेंज में ये फीचर जो है बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है यार, सीरियसली। और दोस्तों थोड़ा से मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। राइट वाले को प्रेस करके रखोगे 20 मोड एक्टिवेट हो जाता है गेमिंग के लिए, आपके गेमिंग का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, रुक जाओ। लेफ्ट वाले को प्रेस करके रखोगे बैलेंस मोड, सिग्नेचर साउंड का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, ऑडियो एक्सपीरियंस, रुक जाओ बस। अभी जो थोड़ी सी इसकी वाटर टेस्ट कर लेते हैं, चलिए थोड़ी सी इसको डुबकी लगा के आते हैं। दोस्तों ये पानी जो है चल रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग नहला देते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस आता है पानी का। नहा के आ गए हैं अभी, देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। ओ भाई साहब ये तो कनेक्टेड था और लिटरली चल भी रहा है, चल रहा है। दोस्तों मैं दिखाता हूं अभी, ये माइक में आप आवाज सुन सकते हो, इस वाले चल रहा है यार, पानी में अच्छा खासा मैंने डुबाया इसको। ये पहला, दोनों चल रहा है,
भाई से का हाँ यार अच्छा गया था, पानी में डुबकी भी लगा लिया तब भी कुछ नहीं हुआ दोनों को। आई लाइक इट यार सीरियसली। बात करते ऑडियो क्वालिटी की तो नॉर्मल मोड जो रहेगा तब जो है ठीक ठाक आवाज आएगी, बट जैसे आप इसका सिग्नेचर मोड ऑन करोगे लाइक सिग्नेचर में बहुत ज्यादा ऑडियो एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। जैसे गाइस ये वाला एक वीडियो है इसमें जो डॉल्बी एटमॉस का आवाज है तो सीन क्या होगा जब मैं इसको नॉर्मल मोड में सुना तब जो है उतना ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं आया, तब मैंने सिग्नेचर मोड में किया लिटरली यार ऐसा लगा कि मैं इस जंगल में बैठा हूं, लिटरली बादल मेरे सर पे गरज रहे हैं, अलग ही इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है सीरियसली। और एक और चीज बात करना चाहूंगा इसमें जो है बेस बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लिटरली सिग्नेचर मोड में बहुत ज्यादा हैवी बेस आता है और वोकल्स भी सही रहते हैं, बट बेस बहुत ज्यादा जब होता है तो वोकल्स जो है थोड़े साइड लाइन हो जाते हैं, और जब नॉर्मल मोड रखोगे तो उसमें सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बेस भी नॉर्मल, सारे मिड सारे हाई सारे लो भी नॉर्मल, जब सिग्नेचर मोड रहता है तो उसमें अलग लेवल का एक्सपीरियंस आएगा। और ऑडियो क्वालिटी मुझे यार काफी ज्यादा परफेक्ट लगी, उतना कुछ इशू मुझे नहीं आया, इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है यार क्योंकि इसमें 10 मिलीमीटर के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो कि ऑडियो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इनहांस बनाएंगे, और क्रिस्टल बायोनिक हाई डीएसपी 5 का जो सपोर्ट है उससे जो है बहुत ज्यादा क्लियर आवाज आती है, मिड भी सही रहते हैं, ट्रेबल भी उतना ज्यादा नहीं होता है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस निकल गया था वो बहुत ज्यादा इंप्रूव निकल गया था। तो गेमिंग मोड में आपको 60 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम मिलता है, अच्छी खासी गेमिंग आप कर लोगे, जैसे ही आपकी बुलेट चलेगी वैसे ही इसमें आवाज आएगा। अब बात कर लेते हैं गाइस बैटरी लाइफ के बारे में, अगर आप 90% पे सुनते हो बैटरी जो कि आपको नहीं करना चाहिए यार, अपने कान का थोड़ा फिक्र कर लो यार कान का। अच्छा वैसे मैं जो है 60% पे रख के सुनता था तो मुझे अच्छा खासा बैकअप मिल गया, अगर आप 90% तक रखोगे तो अराउंड आपको 22 घंटा या 21 घंटा तक मिलेगी बैटरी बैकअप इससे। और इसमें गाइस जो है आपको 600 mAh का बैटरी मिलता है, तो ये जो है 96 आवर्स की बैटरी बैकअप देगा, तो 24+96 120 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलती है। और इसको जो है मैंने अभी तक से चार्ज नहीं किया है, सीरियसली बता रहा हूं, एक हफ्ते में सिर्फ इसी को एक बार चार्ज करने की जरूरत पड़ी, ये शायद दो हफ्ते बाद चार्ज होगा, और इसकी चार्जिंग गाइस 1 आवर के अराउंड हो जाती है, इसकी आपको 2.5 घंटे में आराम से हो जाएगी। और गाइस गिव अवे में आपको ये अगर जीतना है तो नीचे सब्सक्राइब करो और एक कमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टा पे मुझे भेज दो, मैं नीचे कमेंट से ही विनर चूज करूंगा और इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूंगा, आज वहां मिलते हैं यार, दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम है सीरियसली बता रहा हूँ, चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब मारो कमेंट करो। दोस्तों अभी जो हम लोग बाहर में थोड़ा आउटडोर में टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की, इसके जो माइक्रोफोन है जो कॉलिंग यूज होता है, अभी जो आपको आवाज आ रही है इसी माइक्रोफोन से आ रही है, और मेरा दोस्त वहां पर है वो रिकॉर्ड कर रहा है। हेलो, हाँ हाँ भाई क्या हाल है? अभी देखिए तो गाड़ी गई, आपको आवाज का दिख रहा होगा कैसा आ रहा है, ठीक है आवाज आई भाई, कैसी आवाज आ रही है बता? सही आ रही है सर, क्लियर है एकदम? हाँ क्लियर है बिल्कुल। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब आवाज थोड़ी चेंज हुई है या ऐसे? नहीं नहीं थोड़ा सा, हाँ मतलब जैसे बोला था ना अभी चेंज सा लग रहा था, पर अब ठीक है। अच्छा अब जो है मैं माइक्रोफोन कर रहा हूँ, अब कैसी आ रही है कैसी आवाज आ रही है? ठीक आ रही है तेरी आवाज, जैसे पहले थी ना नॉर्मली। आउटडोर में आपकी कॉलिंग इसकी देख ली गाइस, ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, दोनों दो दो माइक मिल जाता है यार, और मेरे दोस्त को जो है उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ या फिर मोबाइल के माइक से, तो इसमें काफी ज्यादा अच्छे माइक आपको मिलते हैं। सो अब बात कर लेते गाइस 2000 में आपको ये लेने चाहिए नहीं, देखो बैटरी लाइफ की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी मिलती है, बिल्ड भी बहुत ज्यादा शानदार मिलता है, गेमिंग मोड भी है, तो 2000 के अंडर वैल्यू पर निकल के आ जाता है ये। ऑडियो क्वालिटी यार ऐसी इमर्सिव है, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सिग्नेचर मोड में ही सुनो, उसमें बेस्ट रहेगा ऑडियो एक्सपीरियंस आपका, बहुत ज्यादा इमर्सिव फील आता है यार सीरियसली, तो 2000 के अंडर काफी ज्यादा रिकमेंडेड है ये। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस।